हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेल। यूनिट सेल कहने का मतलब है चार प्रकार की यूनिट सेल के बारे में आपको बताया गया था। यूनिट सेल आपको बताया गया था क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसको बार बार दोहराने पर क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। मतलब किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा अंश या भाग जिसकी पुनरावृत्ति से हमको क्रिस्टल जालक मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, मतलब एकल कोष्ठिका। इसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है, इसके टाइप्स के बारे में भी आपको बताया गया है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या उसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम साधारण या सरल एकल कोष्ठिका बोलते हैं। दूसरा हमारा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम काय केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका बोलते हैं, या उसी को अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका बोलते हैं। तीसरा हमारा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका के नाम से भी जानते हैं। चौथा हमारा है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम अंत्यः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका बोलते हैं। यहाँ पे फलक केंद्रीय घनी कर लीजिएगा भैया, घनीय केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज प्रिमिटिव सेल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये होता कैसे है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर है ये हमारा। यहाँ पर केवल हम एजम्पशन कर सकते हैं, जैसे आप सपोज करिए हम यहाँ पे एक घन बनाएंगे। घन कहने का मतलब है जिस रूम में आप बैठ कर इसको पढ़ रहे होंगे, उस रूम को एज लाइक यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम एक घन की बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं सारे पॉइंट्स को, स्ट्रेट लाइन से हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। सारे पॉइंट्स हमारे एक स्ट्रेट लाइन से कंबाइन हो गए हैं। यहाँ पे आपको बताया गया था ये जो पॉइंट है इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट की बोलते हैं, पार्टी बोलते हैं। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी बोलते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे दर्शाया गया है, ये पॉइंट एटम हो सकता है, ये पॉइंट मॉलिक्यूल हो सकता है, ये पॉइंट आयन हो सकता है। एटम को आप परमाणु बोलते हो, मॉलिक्यूल को आप अणु बोलते हो, आयन को आप आयन ही बोलते हो। तो कहने का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है इन तीनों में कोई भी हो सकता है। अब हम बात करने वाले थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करने वाले थे। देखिएगा ये कैसे होता है, तो इसमें हमको देखना कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये जो घन होता है उसके कोनों पर होता है, और आप जिस रूम में बैठे होंगे वो रूम में भी घन का ही होगा। अगर आप उसमें कोने को काउंट करिए तो टोटल एक रूम में 8 कोने होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी कितने कोने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोने हैं।
कहने का मतलब क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो घन के कोने पर व्यवस्थित होते हैं। कहाँ व्यवस्थित होंगे, घन के कोने पर व्यवस्थित होंगे। अब घन के कोने पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या इसको अवयव भी हम हिंदी में बोल सकते हैं, कहने का मतलब जो अवयव है सिंपल क्यूबिक या साधारण एकल कोष्ठिका के जो अवयव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, घन के कोनों पर पाए जाते हैं। और घन के कोने पर पाए जाने वाले परमाणुओं का कितना परसेंट भाग एक यूनिट सेल के अंदर होगा इसकी अभी हम बात करने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम या आयन या मॉलिक्यूल, दैट इज कहने का मतलब कितने अवयव पाए जाते हैं एक यूनिट सेल में, या कहेगा कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं, या कितने एटम आयन या कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल या कितने आयन पाए जाएंगे हम उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर कहते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज उनके अवयव होते हैं वो घन के कोने पर होते हैं, और आपको पता है घन में 8 कोने होते हैं, आप जिस रूम में बैठे वहां पे भी देखिएगा, एक फ्रंट पे होगा तो एक उस साइड होगा, जस्ट उसके नीचे होगा, जस्ट उसके नीचे होगा, 4 उस साइड होगा, 4 इस साइड होगा, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, वहां पे, वहां पे। कहने का मतलब टोटली 8 यहाँ पे कोने होंगे, और 8 कोने होंगे, उन कोनों पर ही एटम व्यवस्थित होगा। तो टोटल एक यूनिट सेल में कितने एटम लगेंगे, 8 एटम बनाने में लगेंगे। मतलब एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने में 8 परमाणु की आवश्यकता पड़ती है, 8 या 8 एटम की आवश्यकता पड़ती है, या 8 एटम की नीड हमको होती है, और एक एटम की नीड होती है 8 एटम की, जिससे हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। अब हमको देखना ये है कि कितना पार्ट, 8 एटम तो यहाँ पे लग रहा है इस यूनिट सेल के फॉर्मेशन में, लेकिन उस एटम का कितना पार्ट इस एकल कोशिका या यूनिट सेल के अंदर है, वही पार्ट इसका एटम कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, 8 एटम इसके फॉर्मेशन तो लगे हैं, लेकिन क्या 8 एटम इस यूनिट सेल के अंदर हैं? अगर ऐसा होगा तो वही हमारा यूनिट सेल का एटम कहलाएगा, कि इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इतने एटम पाए जाते हैं जो इसके अंदर होगा। 8 कार्नर है, 8 कार्नर पे एटम है, तो ऐसा नहीं है कि टोटली जो यहाँ पे कार्नर पे रखा हुआ एटम है पूरा का पूरा भाग इस यूनिट सेल के अंदर होगा, ऐसा तो होगा नहीं। अगर एटम है तो कैसा होगा, गोलाकार होगा। अगर गोलाकार होगा, सपोज करते मान लीजिए इतना बड़ा एटम है, इतने बड़े एटम में कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है, आप देखिए कितना पार्ट अंदर है, इतना पार्ट जो है ये यूनिट सेल के अंदर है और इतना पार्ट जो है यूनिट सेल के बाहर है। तो इतना ही पार्ट हम मानेंगे कि ये यूनिट सेल के अंदर है और इतना ही पार्ट इस यूनिट सेल के निर्माण में पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि कार्नर पे रखे हुए एटम का कितना परसेंट या कितना भाग एक यूनिट सेल के अंदर होता है। तो आप एज्यूम करिए, अगर मान लीजिए एक हमारा क्या है, गोला है, यहाँ पे तो सर्किल ही बनी है, गोला तो बनेगा नहीं क्योंकि ये 2D है और गोला 3D होता है। अगर मान लीजिए इसको हम कट करते हैं तो आपको कितने पार्ट दिखाई देगा, अगर हम कट करेंगे कितने भागों में डिवाइड होगा, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब अगर हम कार्नर के एटम है तो कार्नर से कितने, अगर हम बात करें उस कार्नर या घन से या जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम से कितने रूम अटैच हो सकते हैं, आप ऐसा ज्यूम करिए जिस रूम में आप बैठे हैं उसके किसी एक कार्नर को आप टारगेट करिए, वह कार्नर या वह कोना कितने कमरों से अटैच हो सकता है या कितने रूम से अटैच हो सकता है। तो आप देखेंगे
उस रूम से, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ये हमारा एक रूम है, इस रूम के बगल भी एक रूम होगा वो अटैच होगा, इस रूम के पीछे एक रूम होगा वो भी उस कॉर्नर से अटैच होगा, इस रूम के जो पीछे रूम होगा उसके इस साइड जो रूम होगा वो भी उस कॉर्नर से अटैच होगा। बात को समझिएगा, उस कोने से हम कितने रूम अटैच होंगे, 4 रूम अटैच होंगे नीचे की साइड में, नीचे के फ्लोर में। कैसे? एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर के जस्ट जिसमें आप बैठे हो पढ़ रहे हो उस कॉर्नर के जस्ट पीछे रूम हो सकता है, उसके बगल एक रूम हो सकता है, और इसके पीछे वाले के जो पीछे रूम होगा वहां पर भी एक रूम हो सकता है। दैट इज 4 रूम अटैच होंगे एक कमरे में। अगर मान लीजिए वहां पर कोई एक फुटबॉल जैसी बड़ी सी संरचना को रखा जाए, उस फुटबॉल सी बड़ी सी संरचना को वो चारों रूमों में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जैसे ही 4 नीचे हैं, अगर जस्ट इसी के ऊपर कोई फ्लोर बनाया जाए तो वो चारों भी इससे क्या होंगे, अटैच होंगे। बात को समझिएगा, ये तो सर्किल थी, केवल आपको दिखे 4 रूम एक रूम से अटैच है, उन चारों रूमों के अगर ऊपर भी एक फ्लोर बनाए तो वो फ्लोर भी उतने ही रूम एक दूसरे से अटैच होंगे। कहने का मतलब अगर 4 डाउन साइड में है तो 4 अप साइड में होंगे, टोटल कितने होंगे, 8 रूम एक रूम से अटैच होकर बनाए जा सकते हैं। बात को समझिएगा, टोटल 8 रूम एक रूम से अटैच होकर बनाए जा सकते हैं, मतलब एक रूम से 8 रूम अटैच हो सकता है। अगर ऐसा है, कहने का मतलब अगर आप कॉर्नर पे किसी भी आइटम को रखे हो तो उस कॉर्नर का जो आइटम का भाग होगा वो अगर 8 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एक आइटम या एक रूम में वो कितना पार्टिसिपेट करेगा, 1/8 पार्टिसिपेट करेगा। बात को समझिएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक यूनिट सेल में अगर हम बात करें तो 8 यूनिट सेल एक दूसरे से अटैच होंगे, मतलब एक यूनिट सेल में 8 यूनिट सेल एक दूसरे से अटैच होंगे। अगर 8 यूनिट सेल अटैच हैं, एक ही एटम से 8 यूनिट सेल अटैच हैं, अगर सब में थोड़ा थोड़ा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1/8 हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहने का मतलब 8 कोने हैं और 8 कोनों पर, एक कोने पर रखे गए परमाणु का 1/8 भाग अंदर होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या 1 अवयव। अब ये आयन हो सकता है, ये आइटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, एक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक कॉर्नर पर, कोने पर जब भी आइटम रखा होगा उसका एक यूनिट सेल में 1/8 भाग ही अंदर होगा, बाकी पार्ट उससे लगे हुए यूनिट सेल या उससे लगे हुए रूम से अटैच होगा। इसलिए एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर पर रखे गए आइटम का 1/8 भाग ही अंदर होगा, टोटल 8 आइटम होते हैं, इसलिए 8 × 1/8 मतलब एक आइटम में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है एक यूनिट सेल में, तो यहाँ पे हमारा आएगा 1 आइटम या मॉलिक्यूल या आयन। मतलब एक आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने परमाणु या कितने एटम्स होते हैं या कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, तो आप बताओगे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 परमाणु होते हैं और 8 परमाणुओं का एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 भाग होता है, इसलिए जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको आएगा 1। कहने का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल पाया जाता है।